नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी नौवे सम्मन से भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस सम्मन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा। कोर्ट के जजों ने ईडी से चैम्बर में फाइलें मंगवाई। कोर्ट ने साथ ही ईडी से यह भी पूछा कि समन में पेश न होने पर आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था। जब आप समन पर समन कर रहे थे और वो पेश नहीं हो रहे तो आपके पास तो ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार है। एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया, हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप आइए और पूछताछ में शामिल होइए। हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी से गिरफ्तार न करने की शर्त पर आने में पूछताछ में शामिल होने को कहा है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह ईडी को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार न करने का आदेश दे। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत से ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी वो पेश नहीं हो रहे। इस पर अदालत ने कहा कि वह तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का यह मतलब नहीं कि वह सम्मन के लिए पेश नहीं होंगे। ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर तहरीर दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से भला रोक कौन रहा है। जब आप बार बार सम्मन पर सम्मन कर रहे हैं और वो पेश नहीं होते, ऐसे में तो आपके पास में पूरा अधिकार है कि आप सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी की ओर से पेश वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि हम उनसे अरविंद केजरीवाल से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो पूछताछ में आए और हमारे सवालों का ईडी के सवालों का जवाब दे। हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं, यानी कि ईडी गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं कर सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि चुनाव सिर पर है, मैं कह रहा हूं कि अभी सम्मन ना करें। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या आपने सम्मन का जवाब दिया है। सिंघवी ने कहा कि हर नोटिस का जवाब दिया। मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये नोटिस किस आधार पर दिए जा रहे हैं, सीएम होने के नाते और आम आदमी पार्टी चीफ होने के नाते, पर इन्होंने मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया। मैं जांच में शामिल होने के लिए सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं वर्चुअली पेश हो जाऊंगा। मुझे गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा है, क्या आप बता सकते हैं कि आप केजरीवाल को किस कैपेसिटी में जांच में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। इसमें एएसजी एसवी राजू ने कहा कि एक इंडिविजुअल के नाते हम इनको बुला रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है, क्या आपके पास उनके खिलाफ कोर्ट मटेरियल है। ईडी ने कहा कि जी बिल्कुल मटेरियल है। अदालत ने पूछा कि क्या आप वो मटेरियल कोर्ट के सामने रख सकते हैं। ईडी ने कहा कि बिल्कुल रख सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो आपके सामने पेश हो जाते हैं तो क्या यह भरोसा दे सकते हैं कि अभी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। ईडी ने तब जवाब दिया कि हम जो करेंगे वो कानून के मुताबिक ही होगा, कानून से बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें से अगर हम आसान भाषा में बताएं तो अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा गया था कि वो जांच में शामिल हो जाएं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जाए कि सुनवाई पूछताछ के दौरान जब वो ईडी के पास में जाएं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए।
ये उनकी याचिका थी जिसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है मानने से। उन्होंने कहा कि ये अपनी कानूनी एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ेगा, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने सीधे सीधे इस मामले में किसी भी तरह से ये नहीं कहा या इसमें ये कि आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगा है।